नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। क्या आपको किसी का सच्चा प्यार नहीं मिलता और वो भी किसी स्त्री का? क्या आपके घर में धन दौलत की हमेशा कमी बनी रहती है? क्या आपकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब हो गई है? क्या आपकी आंखों की रोशनी अचानक कम हो गई है? तो इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम या इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम और भी है जिनके पीछे क्या कारण है, जानते हैं इसकी असली वजह को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या आपको पता है कि शुक्र जो है वो हमारी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है? जिस प्रकार से बृहस्पति, जिस प्रकार से सूर्य महत्वपूर्ण है, उसी तरह से या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शुक्र ग्रह है जो हमारी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कुंडली में शुक्र ग्रह स्ट्रांग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लमों को आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिन लोगों को कुंडली देखना नहीं आती, वो कैसे पहचानेंगे कि उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत है या नहीं है? तो आज मैं आपको कुछ लक्षणों के थ्रू बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो कमजोर है या स्ट्रांग है। साथ ही मैं आपको हाथ की रेखाओं से भी बताऊंगा, आप बहुत आसानी से पता कर लोगे कि आपका शुक्र अच्छा है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके लक्षण की किस प्रकार से आप आसानी से लक्षणों के थ्रू जो आपके अंदर आपकी आदतें बनेगी उसके थ्रू पहचान सकते हो कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो कमजोर है या बलवान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लक्षण, आकर्षण का कम होना, यानी आपके जो चेहरे का आकर्षण है वो कम हो जाएगा। वैवाहिक सुख का न मिलना या वैवाहिक सुख कम मिलेगा। लगातार आर्थिक परेशानी बनी रहेगी, घर में लगातार आर्थिक परेशानी बनी रहेगी। वाहन में परेशानी होगी, वाहन मतलब जो भी आप गाड़ी चलाते हैं वो कुछ ना कुछ उससे प्रॉब्लम आती रहेगी। स्त्री जाति से प्रेम का मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सजने संवरने का जो शौक होता है इंसान के अंदर वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आवाज में मिठासपन नहीं होगी। भौतिक सुख सुविधाएं का मिलना मुश्किल होगा या बहुत ही परेशानी से मिलेगी। साफ सुथरे तरीके से रहना वो पसंद नहीं करेंगे। इंसान की सेक्सुअल जो पावर है वो कम होती चली जाएगी। आंखों की रोशनी में कमी आ जाएगी। चेहरे का ग्लो चला जाएगा या चेहरे पे जो एक तेज होता है वो नहीं रहेगा। अचानक स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी। पाँव में तकलीफ बनी रहेगी और अंगूठों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ लक्षण है जिसके थ्रू बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो कि आपका शुक्र कमजोर है या नहीं है। चलिए मैं हाथ से बता देता हूं आपको। जैसे ये आप हाथ देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो पार्ट होता है वो शुक्र पर्वत कहलाता है, शुक्र पर्वत कहलाता है। अगर ये पार्ट उभरा हुआ नहीं है, बहुत दबा हुआ है, तो भी आपका शुक्र कमजोर है। साथ ही उभरा तो है लेकिन इसमें बहुत सारी कटी पिटी लाइन है, बहुत सारे कट लगे हैं, बहुत सारी रेखाएं ऐसी जो कटी पिटी है, तो ऐसी लाइन अगर है तो भी आपका शुक्र कमजोर है। तो अगर शुक्र कमजोर है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई, इस लक्षण के थ्रू आप पहचान सकते हो। अगर इससे 50% लक्षण भी आपके अंदर दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र जो है वो कमजोर है। अभी शुक्र कमजोर क्यों जाता है वो जानते हैं, ऐसे कौन से रीजन होते हैं जिसके कारण शुक्र कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहला कारण बताता हूं मैं आपको, घर में ब्लैक मेहरून कलर का ज्यादा अगर यूज करते हैं तो भी शुक्र कमजोर हो जाता है। घर की साफ सफाई को अगर महत्व नहीं देते हैं तो भी शुक्र कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। शारीरिक रूप से गंदे रहने पर, फटे पुराने कपड़े पहनने से भी शुक्र कमजोर हो जाता है। पति पत्नी से बेवजह विवाद करने से, यानी पति पत्नी से बेवजह विवाद करे या पत्नी पति से बेवजह विवाद करे तो भी शुक्र कमजोर हो जाता है। अगर आप अपने दांतों का सही से ध्यान नहीं रखते, दांत खराब हो रहते हैं तो भी उससे शुक्र कमजोर होता है। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से या पराए पुरुष के साथ संबंध बनाने से भी शुक्र कमजोर हो जाता है। कुंडली में शुक्र के साथ राहु या शनि का नीच राशि में होने से भी शुक्र कमजोर हो जाता है। अपने घर की साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो अगर गड़बड़े, वो किसी प्रकार से खराब है तो भी शुक्र कमजोर हो जाता है। और अगर ग्रह कलेश घर में बना रहता है तो इस कारण से भी शुक्र कमजोर हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसके थ्रू शुक्र कमजोर हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है लेकिन ये वो कारण है, ये प्रैक्टिकल कारण जो आप आसानी से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो इन कारणों को, इसलिए मैंने ये कारण बताया। बाकी कुंडली में वैसे बहुत सारे योग होते हैं जिसके कारण आपका जो शुक्र है वो कमजोर हो जाता है या जो शुक्र है वो खराब हो जाता है। चलिए शुक्र हमने जान लिया कि इस प्रकार की जो समस्या है वो हमारे साथ हो रही है और ये जो रीजन मैंने अभी आपको दिए ये भी आपके साथ आपके जीवन में दिख रहे हैं। तो किस तरह से उस शुक्र को स्ट्रांग किया जाए अब मैं वो आपको बताता हूँ। अगर ये कुछ उपाय आप कर लेते हैं
तो आपका जो शुक्र है वो स्ट्रांग हो जाएगा और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं कि शुक्र को हम किस प्रकार से स्ट्रांग कर सकते हैं। तो पहला उपाय, ज्यादा से ज्यादा सफेद रंगों का या सफेद वस्तु का दान करें। अपने आप को और घर को महकाए, महकाए मतलब इस इत्र का या कोई सुगंधित चीजों का इस्तेमाल अपने ऊपर भी करें और अपने घर के ऊपर मतलब घर में जहां पर आप रहते हैं उसमें भी करें, ताकि हमेशा घर और आप महकते रहें। अपने भोजन का कुछ हिस्सा या अपने भोजन में से कुछ भाग गाय, कुत्ते और कौवे के लिए जरूर रखें या उनको जरूर खिलाएं। माता लक्ष्मी की उपासना करें। शुक्रवार का व्रत करें और खटाई ना खाएं, यानी उस दिन जिस दिन आप शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं उस दिन खटाई ना खाएं। स्त्री जाति का सम्मान करें, ये बहुत ध्यान देने की बात है, स्त्री जाति का सम्मान आपको करना ही पड़ेगा तभी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। अपनी पत्नी को खुश रखें और दूसरी स्त्री के साथ गलत संबंध बिल्कुल ना बनाएं। घर में कलह ना करें और परिवार के साथ प्यार से रहें। फटे पुराने तथा गंदे कपड़े ना पहने। तो ये कुछ बहुत ही इजी उपाय है जिनके थ्रू आप अपने शुक्र को स्ट्रांग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे उपाय है, जैसे कि आप शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हो, आप अपनी उंगली में डायमंड की रिंग पहन सकते हो, ऐसे बहुत सारे उपाय जानता हूं जिसके थ्रू आप अपने शुक्र को स्ट्रांग कर सकते हो। लेकिन ये वो उपाय मैंने बताया जो बहुत ईजी है, आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा आपका लगने वाला नहीं है। अगर मैं डायमंड रिंग का बोलता हूं तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगर मैं किसी मंत्र का जाप करवाने के लिए बोलूंगा तो उसमें भी आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये जो मैंने उपाय बताया इसमें कोई भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी से अपनी आदत को सुधार कर आप अपने शुक्र को स्ट्रांग कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बृहस्पति के बारे में बताऊंगा कि बृहस्पति अगर आपका खराब है तो उसको किस तरह से पहचानोगे, उसके क्या कारण होते हैं जिसके कारण बृहस्पति खराब हो जाता है और उसको स्ट्रांग करने के क्या उपाय हैं, इन सभी बातों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश। जय हिंद।